आपके पार्टी के भी मंत्री ने कहा है पूरा आश्चर्य। हमको तो कल ही आपको पूछ रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ भाई। सुना आपने, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उस वक्त आश्चर्य हुआ जब उनका नाम राष्ट्रपति के लिए चर्चा में आया। अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। सर बीजेपी से कहां को दिल्ली भेज रहा है, ये सब ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट मेटेरियल कहा जा रहा है, आपके पार्टी के भी मंत्री ने कहा है पूरा आश्चर्य। हमको तो कल ही आपको पूछ रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ भाई। आपके पार्टी के ही मंत्री ने कहा कि ऐसे ही प्रेसिडेंट मेटेरियल है। 10 मार्च के बाद कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं, कोई बात ऐसे ही है। सबसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं। हमको तो आश्चर्य हुआ कल इसे पूछा था, हम तो आज हम सवेरे जो सब न्यूज पेपर अब बाहर वाला भी देख रहा था, हमको आश्चर्य। ये भी कोई बात नहीं। दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले 24 घंटे से ये अटकलें तेज हैं कि विपक्षी पार्टियां अगले राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का नाम आगे करेंगी। बहस इस बात पर है कि नीतीश कुमार प्रेसिडेंट मटेरियल हैं या नहीं। हालांकि ये उस चर्चा से बिल्कुल अलग है कि नीतीश शुरू से खुद को पीएम मटेरियल मानते रहे हैं, लेकिन खुद नीतीश कहते हैं कि उनसे इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, या यूं कह लें कि उनकी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमसे कभी किसी ने कोई बात की है, कोई चर्चा की है? कहीं कोई बात ही नहीं है, इस तरह कोई बात नहीं। जाना चाहेंगे समाज सुधार अभियान को लेकर आप आए हैं, जम्मू की जनता को क्या कहना है? सबसे जो कोई दिलचस्पी हमारी ना रुचि ना कोई दिलचस्पी, हम अपना काम कर रहे हैं। आज सुन ही ना रहे हमारा भाई, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है? समाज सुधार का है, विकास का है, समाज में प्रेम का भाईचारे का भाव हो, मिल करके चले। हमारी दिलचस्पी तो इसी में है, तो हम शुरू से काम करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। अगर ऑफर नहीं, कोई आकांक्षा इच्छा नहीं हमारी। वैसे एनडीए में शामिल हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की पहल का समर्थन किया, लेकिन वो भी गाहे बगाहे तौर पर। उधर जदयू नेताओं ने कहा कि ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी साल जुलाई महीने में खत्म होने जा रहा है। साल 2017 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के बाद कोविंद ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, और अब राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उसमें नीतीश कुमार का नाम पिछले 24 घंटे से तैर रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।